सभी को नमस्ते। आप सबसे मिलकर अच्छा लगा। तो हम बाइबल पढ़ेंगे। फिर तो 5 अध्याय, तो प्रेरित तो 5 अध्याय 17 से पढ़ेंगे। प्रेरितों 5 अध्याय 17 से पढ़ेंगे। तब महायाजक और उसकी सब साथी जो साधुकियों के पद के थे दाह से भर उठे और प्रेरितों के को पकड़ कर बंदगृह में बंद कर दिया। परंतु रात को प्रभु के एक स्वर्गदूत ने बंदीगृह को के द्वार खोलकर उन्हें बाहर लाकर कहा, जाओ मंदिर में खड़े होकर इस जीवन के सब बताओ, लोगों को सुनाओ। वे यह सुनकर भोर होते ही मंदिर में जाकर उपदेश देने लगा। तब महायाजक और उसके साथियों ने आकर महासभा को और इसराइलियों के सभी पुरानियों को इकट्ठा किया और बंदीगृह में कहला भेजा कि उन्हें लाएं। परंतु प्यादों ने वहां पहुंचकर उन बंदीगृह में न पाया और लौट कर संदेश दिया, हमने बंदीगृह को बड़ा चौकस से बंद किया हुआ है और परिवार को बाहर द्वारा पर खड़े हुआ न पाया, परंतु जब खोला तो भीतर कोई न मिला। जब मंदिर के सरदार और प्रधान याजकों ने यह बात सुनी तो उसके विषय में भरी चिंता में पड़ गए कि उनका क्या होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें बताया, देखो जिन्हें तुमने बंदीगृह में बंद कर रखा था वे मनुष्य मंदिर में खड़े हुए लोगों को उपदेश दे रहे हैं। तब सरदार यहूदों के साथ जाकर उन्हें ले आया, परंतु बलपूर्वक नहीं, क्योंकि वे लोगों से डरते थे कि हम पर पत्थरवार न करें। उन्होंने उन्हें लाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया। तब महायाजक ने उससे पूछा, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा न दी कि तुम इस नाम से उपदेश न करोगे? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है और उस व्यक्ति का लहू हमारे गर्दन पर लाना चाहते हो। तब पत्रस उसके प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञा ना बल्कि परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने ही हमारा कर्तव्य है। हमारे बाप दादा के परमेश्वर ने यीशु को जिलाया जिसे तुमने क्रूस पर लटकाकर मार डाला था, उसी को परमेश्वर ने प्रभु और उत्तराधिकारी ठहराया था, अपने दाहिने हाथ पर ऊंचा कर दिया कि इस्राएलियों। हमने 32 तक पढ़ा, तो अभी हम परमेश्वर के साथ है जिन्होंने इस विश्वभर में बहुत ही अद्भुत काम किए हैं। लेकिन क्योंकि हम परमेश्वर को अपने आंखों से नहीं देख पाते, तो इसलिए जब भी परिस्थितियां परेशानियां आती है तो हम डर जाते हैं। तो हर साल हम IYF वर्ल्ड कैंप करते हैं, तो पिछले साल क्योंकि कोरोना था इसलिए हम नहीं कर पाए, और क्योंकि कोरोना की वजह से कुछ नहीं कर पाए इसलिए हमारे लिए बहुत कंफर्टेबल था। लेकिन मैं इधर कोरोना से बंधा नहीं गया, तो इसके बाद 2022 हो गया, इसके बाद हम वर्ल्ड कैंप कर पाए। तो स्प्रिंग के मौसम के दौरान हमने कहा कि हम वर्ल्ड कैंप करेंगे, तो तब तक हम
हम चिंता कर रहे थे कि कोरोना जो कोरोना का रिस्ट्रिक्शन जो है वो मतलब हटेगा कि नहीं हटेगा, लेकिन एक चीज है जो हम तो एक चीज है कि हम परमेश्वर के साथ आर्ग्यू नहीं कर सकते कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। तो असल में बुसान में मतलब जोरदार बारिश होने वाली थी लेकिन बारिश नहीं हुई, एक भी बूंद नहीं गिरा। और मैसेज में ये बात मेरे मन को छू गया और सारे जो नियम कानून थे कोविड के वजह से सब कुछ छूट गए। और ऐसा कहा है कि पहली रात को 16,000 लोग आए, तो मैं सोच रहा था कि वो लोग कहाँ बैठेंगे, लेकिन वो मतलब उस जगह को मतलब खोके और लोग आते रह गए आते गए और वो जगह भी बड़ा होता गया। तो मैं समझ नहीं पाया कैसे उन सब के लिए मतलब सीट बच सेट रह पाया, मुझे नहीं पता था वो क्या कर रहे थे। लेकिन मैं जान पाया कि सच में परमेश्वर ही है जिन्होंने हमारे लिए सब कुछ राह खोला। और डांसिंग के बीच में यूक्रेन से भी डांस टीम आए थे। उससे पहले मैं साउथ अमेरिका गया था और मैंने ब्राजील के प्रेसिडेंट से मिला और असेंबली ऑफ गॉड के 2,500 पास्टर्स इकट्ठा हुए, मैंने उनको प्रचार किया। तो जब मैंने फ्लाइट लिया तो मुझे जर्मनी को पार करके जाना था। असल में मुझे ब्राजील से यूएस जाके फिर कोरिया जाना था, लेकिन बाद में मैं जान पाया कि तो अगर मैं कोरिया यूएसए के साइड से आऊं या फिर जर्मनी की तरफ से आऊं मतलब सेम समय ही लगेगा। और हमारे ऑफिस में कहा गया कि मैं जर्मनी की तरफ से जाऊं और जो हमारे यूक्रेन के भाई बहन हैं उनको मिल के आऊं। और असल में जर्मनी का जो वेदर फोरकास्ट होता है वो सही रहता है। असल में उस दिन जब मैं जर्मनी में लैंड करने वाला था तो उस दिन बारिश होने था और उस दिन कहा गया था कि बारिश होगी जर्मनी में। तो मैं जर्मनी एयरपोर्ट में उतरा और वहां पे देखा कि मौसम बहुत अच्छा था और पास्टर ओयोंगशिन भी बहुत उनका मन छू गया। तो असल में जर्मनी में जो वेदर फोरकास्ट होता है वो कभी गलत नहीं होता है। तो अगर पास से आप यहाँ आएंगे और दिन भर बारिश होगी तो यूक्रेनियन जो रेफ्यूजी है उनके पास गाड़ी नहीं है, वो आपसे आके नहीं मिल सकते। और उस शाम को हम एक साथ इकट्ठा हो पाए और 1500 यूक्रेनियन भाई बहन हम इकट्ठा हो पाए, वो भी यूक्रेनियन रेफ्यूजी हैं। और जर्मनी के गुड न्यूज के भाई बहन भी थे वहां पे। और उन्होंने जर्मनी के भाई बहनों ने उनको सच में बहुत मदद किया और जर्मनी के गवर्नमेंट भी बहुत खुश थे उनसे। और उन्होंने कहा मेरे ऑफिस में कहा कि मुझे वहां जाओ और उनको सामर्थ दो। तो मैं वहां गया, उनसे बात की और ग्रेशियस खाए ने गीत गाए। ग्रेशियस खाए का गीत बहुत सुंदर था। और यूक्रेनियन रेफ्यूजी के बीच एक डांस टीम है और उन्होंने कहा कि वो कोरिया आईवाईएफ कैंप में आना चाहते हैं कोरिया में। सच में मैं उनको लाना जाने देना चाहता हूँ लेकिन मेरे पास कोई सामर्थ नहीं है। उनको वीजा लेना है, वीजा चाहिए होगा, उनको प्लेन टिकट खरीदने होंगे और क्योंकि रेफ्यूजीज के बाद पैसे नहीं होते हैं फ्लाइट टिकट खरीदने को। इसलिए मैंने उनको सिर्फ मन से उनको सामर्थ दिया और मैं वापस कोरिया आ गया। तो कैसे वो टीम कोरिया कैसे आए, तो क्योंकि कोरिया में वर्ल्ड डांस कॉम्पिटिशन था तो उन्होंने कहा कि अगर हम वहां जाएंगे तो हमें पहला स्थान जरूर मिलेगा। और किसको पता था क्योंकि यूएस का टीम जो है डांस टीम जो है वो बहुत अच्छे से नाचते हैं, लेकिन उन्होंने कोई कॉम्पिटिशन नहीं किया, कॉम्पिटिशन में भाग नहीं लिया। तो
तो क्योंकि उन्होंने यूक्रेन की टीम ने कहा था कि वो फर्स्ट प्राइज जीतेंगे, इसलिए उनको एयर फ्लाइट टिकट मिला। असल में आजकल ज्यादा फ्लाइट टिकट नहीं है। और क्योंकि किसी फ्लाइट टिकट का भी बहुत महंगा रहता है, इसलिए वो मिलना भी बहुत मुश्किल है। और जिस दिन डांस कंपटीशन था, यूक्रेन यूक्रेन की टीम भी वहां पे थी, और मैं देख के बहुत खुश हुआ। तो आपको पहले फर्स्ट प्राइज जीतना है, तो मैं अगर जज होता तो सच में मैं उनको फर्स्ट प्राइज देता था, लेकिन मैं जज नहीं हुआ। वहाँ पे 5 जज थे और उस समय मैं सोल में बिजी था, और उनसे बात करते खत्म होते ही मुझे सोल वापस जाना था। और इसी बीच मुझे फोन आया कि यूक्रेनियन टीम को पहला स्थान मिला है, और सच में सब लोग बहुत खुश थे। तो सच में ये बहुत अद्भुत है कि कैसे परमेश्वर काम करता है। किसी को भी नहीं पता है कि कल क्या होगा, लेकिन हम एक चीज जरूर जानते हैं, तो जितने भी हमने जीवन जिए हैं अब तक, जो जीवन जीते आए हैं, तो ये काम हमारा काम नहीं, लेकिन परमेश्वर का काम है। और क्योंकि परमेश्वर हमारे काम को अगुवाई कर रहा है, और हम ऐसे नाका नहीं सकते। तो पिछले शाम को चामशोल जिमनेशियम में हमने अपना सभा किया, और जो बड़े बड़े टॉप लेवल के लोग थे, मतलब सब लोग वहां आए, और सच में देखिए परफॉर्मेंस हुआ, और हमने बहुत ही अच्छा समय बिताया। तो सच में मैं परमेश्वर को बहुत धन्यवाद करता हूँ जो इस अद्भुत रीति से काम करते हैं। तो मैं एक खास चीज आप सबको बताना चाहता हूँ आज। तो हमारी जो आंखें हैं, तो हमारे मेरी आंखें जो है वो पहले बहुत अच्छी थी, लेकिन जैसे मेरी उम्र बढ़ती गई, मैंने चश्मा लगाना शुरू कर दिया। तो 20 साल पहले जो चश्मा मैंने इस्तेमाल किया था, वही चश्मा अभी तक इस्तेमाल करता हूँ। तो मैं जिस भाई के हॉस्पिटल में गया, तो उन्होंने कहा कि आप सर्जरी कर लो और नया मतलब चश्मा लगा लो। तो उन्होंने मुझे प्रिस्क्रिप्शन दिया था नए चश्मा का, लेकिन मैंने उसको घुमा दिया, इसलिए मैंने पुराना अपना चश्मा इस्तेमाल किया, क्योंकि मेरे पास हॉस्पिटल जाने का टाइम नहीं था। लेकिन मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जितना भी सही मैं अपने नजरों के द्वारा देख पाऊं, लेकिन अगर हम परमेश्वर का मन नहीं जानेंगे, हम नहीं देख पाएंगे। तो जितना भी हमको लगता है कि हमने जो देखा है वो सही है, लेकिन वो जो चीज है वो परमेश्वर की आंखों में सही है कि नहीं, वो ज्यादा जरूरी है। कि आप पापी पाप से भरे हुए, या फिर आप परमेश्वर की नजरों में सच में पाप से भरे हुए हैं, तो आप पाप से भरे हो या ना हो, आप परमेश्वर की नजरों में कैसे हो वो ही जरूरी है। जितने भी चाहे आप जितने भी पाप किए हो, लेकिन एक दिन मैंने परमेश्वर के साथ वाचा बांधी, तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हारे पाप और अधर्म कामों को स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर के नजरों में वो हमारे पापों को नहीं देखता। अगर परमेश्वर में उनकी नजरों में हमारे पाप को देखते, तो हमें दोष लगाते। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हारे पापों को और अधम कामों को स्मरण नहीं करूंगा। तो परमेश्वर के मेमोरी में हमारे पाप कहीं नहीं लिखे हैं। जैसे मैं अपने पाप को याद करता हूँ, अगर परमेश्वर भी इस प्रकार से हमारे पाप को याद रखते, तो हमें और परमेश्वर के बीच बहुत सारी परेशानियां खड़ी होती है। लेकिन यीशु मसीह के लहू के द्वारा कि मैं उनके पापों को और अधम कामों को स्मरण नहीं करूंगा, पाप की परेशानियां नहीं। लेकिन मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि हमारे साथ जो जीवन की परेशानियां हैं वो भी हैं। तो मैं बहुत धन्यवादित हूँ कि मैं बयान नहीं कर सकता। तो मैं 1965 में आर्मी में गया। आर्मी जाने से पहले मैं जंगपाली के छोटे से कलिसिया में काम करता था, और मैंने 1 साल प्रार्थना की कि परमेश्वर मेरी मदद करना जब मैं आर्मी में जाऊंगा। तो आर्मी में मैं कम्युनिकेशन का सोल्जर था,
और मैं मोरोस्कोप चलाने वाले रेडियो कम्युनिकेशन सोल्जर था। तो हमारे मोरोस्कोप स्कूल जो होता है वो देहरादून में होता है, और मैं ROC क्लास 3-11 से हूँ, और क्लास 3-10 तक मैं देहरादून में था। और जो स्कूल देहरादून में था वो बहुत छोटा स्कूल था, और क्लास 3-11 से हम 1 जू में गए। और आर्मी में सब कुछ आपके रैंक के हिसाब से होता है, एक एक स्टार 2 स्टार का फर्क नहीं, लेकिन सोल्जर्स के बीच अगर आप एक दिन भी जल्दी भर्ती होते तो आप सीनियर बनते हो, क्योंकि मैं कम्युनिकेशन ट्रेनिंग में फर्स्ट क्लास में था, तो जो मेरे नीचे वाले क्लास में थे, तो मैं ये सब मैं खुद से करने की कोशिश नहीं किया, लेकिन सब कुछ परमेश्वर ने कर दिया। तो हर सैटरडे को सब जो मेरे क्लास से छोटे हैं वो आते हैं, और मैं उनके क्लास में जाता हूँ। तो चाहे मैं सिर्फ एक ही हफ्ता सीनियर हूँ उनसे, लेकिन वो उनको पता नहीं है, और मैं उनको बहुत ही अच्छे से नम्र से बताता हूँ, आपने अच्छे से आप सब अच्छे से सोए, तो क्योंकि उन्होंने पहले ट्रेनिंग सबसे पहले ट्रेनिंग आर्मी की पाया था, वो बहुत ही मतलब तो मैं उनसे कहता चाहे बारिश हो या स्नो बर्फ पड़े, तो कुछ जो चीज नहीं बदलती वो है डिफेंस का घड़ी, मतलब क्योंकि वो रुकता नहीं है, तो अगर उस दिन पहुंचा डेट पहुंचे तो तुमको डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, तो तुम लोग सब भूल जाओ और तुम खुश रहो जब तक यहाँ पे हो। और मैं उनको ऐसे सामर्थ देता था, और मैंने पूछा कि आप में से कौन परिसर जाता है, तो लगभग 80% लोगों ने हाथ उठाया, और मैंने उनका नाम लिखा, और मैंने कहा कि कल सुबह, क्योंकि हमारे पास जगह नहीं थी सभा करने के लिए, तो चाहे वो बहुत ही ठंडे का मौसम था तो हम पहाड़ में इकट्ठा होके सभा करते थे, और हम बहुत धन्यवादी थे। तो जो तो जहाँ पे वो रहते हैं और जहाँ पे सीखते हैं वो जगह बहुत अलग था, और क्योंकि मैं एजुकेशन का इंचार्ज था हमारे बेस में, तो मैं उनको मतलब जल्दी समय देता था तो ताकि वो रेडी कर सके, और फर्स्ट सेशन के बाद ब्रेक होता था। इसके बाद मैंने एक अनाउंसमेंट सुना, ROC क्लास ऑक्सुपार फील्ड हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के लिए आ जाओ, तो कोई मेरा नाम ले रहा था और कह रहा था कि मुझे हेडक्वार्टर जाना है ट्रेनिंग के लिए, तो मैं हेडक्वार्टर ट्रेनिंग के लिए गया, ROC क्लास 3-11 ऑक्सुपार रिपोर्टिंग दे रहा हूँ। तो जो ऑफिसर ट्रेनिंग था तो वो फर्स्ट लेफ्टिनेंट था, और मैं प्राइवेट था, मैंने कहा प्राइवेट प्राक आप बैठो, तो मैं बैठा। तो आर्मी में भर्ती होने से पहले आप क्या करते थे, उन्होंने पूछा, तो मैंने कहा कि मैं कलिसिया में सेविकाएं करता था। तो सच में, और उन्होंने क्या कहा, प्राइवेट का पार्क में भी आर्मी में भर्ती होने से पहले मैं भी बहुत अच्छा मसीही था, तो मेरी माँ जो थी मेरे लिए हमेशा प्रार्थना करती थी, और जैसे मैं आर्मी में पहला लेफ्टिनेंट बना, मैंने आत्मिक जीवन छोड़ दिया, मैं दारू पीने लगा, और कल प्राइवेट पार्क जब मैंने देखा कि तुम लोग कल पहाड़ में जाके सभा कर रहे थे, मैं सो नहीं पाया, और मैं उसके बाद उन्हें कहा प्राइवेट पार्क में तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ क्या, तो मैंने कहा जी ऑफिसर आप कर सकते हो, तो बाहर बहुत ठंडा है, अगर आप हमें एक क्लासरूम इस्तेमाल करने दे तो हम वो सांझे सभा के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो उन्होंने पूछा कौन सा क्लासरूम चाहिए आपको, तो उन्होंने कहा कि जो क्लास नंबर 16 है वो बड़ा है अच्छा है। तो उन्होंने एक सोल्जर को बुलाया और कहा कि क्लास 16 का जो चाबी है वो प्राइवेट पार्क को दे दे, तो जब क्लास खत्म होगा इसके बाद वो जब चाहे उसमें उसको इस्तेमाल कर सकता है।
तो जब मैं अपना जीवन जीता हूँ, तो जब मैं ऐसा जीवन जीता हूँ, तो मैं सच में मैं नहीं कह सकता कि परमेश्वर काम नहीं कर रहा है। तो उसके बाद सच में मैं 16 ट्रेनिंग वहां पे किया, और इसके बाद मुझे अगले सुबह को जाना था। तो एक महीने पहले हमने प्रार्थना करना शुरू किया, तो कुछ उधार पाए हुए भाइयों के साथ हम प्रार्थना करने लगे कि इस बेस में भी सुसमाचार प्रचार हो सके। तो उस दिन मैं ग्रेजुएट हो रहा था, और मैं ऑफिसर एजुकेशन ऑफ ऑफिसर जो है उनको बहुत धन्यवादित हूँ, और मैं उनको धन्यवादित देने के लिए उनके ऑफिस में रुक रहा था। इसके बाद जो ऑफिसर था वो आए, मैंने उनको सल्यूट किया, मैंने उनको कहा ऑफिसर मैं आज ग्रेजुएट होऊंगा, मैं आपको गुड बाय कहने के लिए और धन्यवाद करने के लिए आया हूँ। उसके बाद ऑफिस ने कहा रुको प्राइवेट पार्क, उसने कहा मैं सोच रहा था कि मैं आपको कहाँ भेजू, कौन सी जगह मैं आपको डिस्पैच करूं। एंड तो असल में वो बड़े बड़े हेडक्वार्टर्स में ही जाना चाहते हैं बहुत सारे लोग उसी, लेकिन प्राइवेट पार्क अगर आप यहाँ मेरे साथ रहोगे तो ये मेरे आत्मिक जीवन के लिए अच्छा रहेगा, तो मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ रहें और यहाँ पे एग्जाम डिपार्टमेंट में काम करें, तो आप चिंता मत करो यहीं पे रहो। तो मैंने कहा जी ऑफिसर धन्यवाद। इसके बाद मैं अपने बंकर में गया जहाँ मैं हमेशा प्रार्थना करता था। तो उस एजुकेशन बेस में रहना, तो आपको मॉरल स्काउट में बहुत ही मतलब काबिल होना है, आपको आपके क्लास के टॉप 5 में रहना है मॉरल स्काउट में। लेकिन हमारे क्लास में जो आर्मी से पहले मतलब 8 लोग थे जिन्होंने मॉरल स्काउट सीखा था, और ये नामुमकिन था कि मैं टॉप 5 में आऊं, और कोई राह नहीं था कि मैं टॉप 5 में आऊं। लेकिन उन्होंने मुझे एग्जाम सेंटर जो कम्युनिकेशन बेस में काम करने का मौका दिया, और परमेश्वर ने मेरे बहुत सारे दरवाजे खोले कि मैं वहां से समाचार प्रचार कर सका। तो सच में कोई परेशानी नहीं है जो परमेश्वर से बड़ी है। अगर आप परमेश्वर के साथ एक हो तो आप ये सारी दुनिया को भी पार कर सकते हो। क्यों? क्योंकि कोई नहीं है जो परमेश्वर को हैंडल कर सकता है। तो अब तक मैंने बहुत सारे परेशानी और मुश्किलों का सामना किया, लेकिन लेकिन मैं कह पाता हूं कि हर बार परमेश्वर मेरी अगुवाई कर रहे थे। तो अगर मैं ऐसे व्यक्ति हूं जो परमेश्वर का अनुग्रह पाता हूं, तो मुझे परमेश्वर के साथ एक मन होना है। ऐसे नहीं कि पैसे ज्यादा जरूरी है या फिर पावर या फिर पोजिशन ज्यादा जरूरी है, लेकिन परमेश्वर ज्यादा जरूरी है। अगर परमेश्वर मेरे लिए है, अगर परमेश्वर मेरी मदद करेगा, अगर परमेश्वर मेरी अगुवाई करेगा, तो चाहे जो भी हो तो ये कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर जीवित है। और उस दिन संडे था, और हमारे 200 सैनिक में मैंने सुसमाचार प्रचार किया, और अचानक से जो पीछे का दरवाजा था वो खुला, और हमारे जो ट्रेनिंग के कमांडर थे वो आए। तो मैं बहुत ही आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि कमांडर जो ट्रेनिंग कमांडर होता है वो संडे को बेस में नहीं आते हैं, लेकिन वो बेस में आए और उन्होंने सुना गीत गाते हुए, तो वो वहां आके अंदर आए, तो मैं वहीं पे रुक गया। लेकिन उन्होंने कहा कि अब जारी रखो, तो मैं लगातार प्रचार करना जारी किया। तो उन्होंने कहा प्राइवेट, तो सच में मुझे याद नहीं है मैंने क्या प्रचार किया, मुझे याद भी नहीं है। इसके बाद मैं प्रचार किया, खत्म किया,
कमांडर खड़े हुए, उसने कहा कि उन्होंने कहा कि मैं क्या कुछ शब्द कह सकता हूँ। तो मैंने कहा जी जरूर। तो आगे खड़ी हुए, तो मुझे नहीं पता कि आप लोग कितने देर से ये सभा कर रहे हो, किसी ने मुझे नहीं बताया। तो वो हमेशा मतलब वॉर में जाते थे, और वो बहुत ही खतरनाक युद्ध होता था। तो वो एक ऐसे पोजीशन में थे जहां पे मतलब उनके जो पोजीशन के आधे लोग मारे गए थे। और तो उस ऐसा दिन होता था कि अगर दिन हो तो मतलब युद्ध शुरू हो जाता था, क्योंकि साउथ कोरिया में उस समय युद्ध चल रहा था। तो साउथ कोरिया जो है तो दिन में युद्ध करने में अच्छे थे, लेकिन जो नॉर्थ कोरिया था वो रात में अच्छे थे। इसलिए नॉर्थ कोरिया जो है वो हमेशा रात को अटैक करते थे, और लेकिन हम हमेशा दिन को युद्ध करते थे। तो इसलिए रात को वो हम बैरक में छुपे रहते थे और दिन का इंतजार करते थे। और वो बहुत ही जरूरी युद्ध था, बहुत सारे लोग मरने वाले थे, लेकिन ये इस प्रकार का युद्ध था जहां पे दो तिहाई लोग मरने वाले थे। लेकिन जो कमांडर था वो बैरक के अंदर आए, और जो यहाँ पे मतलब जहाँ पे जवान लड़के मरने जाने हैं, तो वो सोचे हुए बहुत दुखी हुए हैं। और उनको बहुत सारे उनको पता था कि कल शायद कल वो मर भी सकते हैं। तो वो मतलब उन्होंने जो कमांडर था उनके रूम में गए, और वो अपने एक सोल्जर को देखा जो अपने घुटने में बैठ के वो कुछ बरबा रहा था। तो कमांडर जाके पूछा तुम क्या कर रहे हो? तो उस सोल्जर ने कहा कि सैनिक ने कहा मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। तो कमांडर आश्चर्यचकित हो गए। तो ने कहा जी हाँ मैं प्रार्थना कर रहा था। तो आप क्या अपने कमांडर के लिए प्रार्थना कर रहे हो? जी हाँ मैं अभी करूंगा, तो हमारे लिए भी प्रार्थना करो। तो क्योंकि कमांडर के पास कोई और राह नहीं था, तो एक राह है जहाँ वो प्रार्थना करना परमेश्वर के। तो चाहे वो यीशु पे विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन उन्होंने यीशु के बारे में सुना था। तो पैरेंट्स भी गए, क्या तुम परमेश्वर में विश्वास करते हो? प्रार्थना करो। क्या तुम बुद्ध को विश्वास करते हो? प्रार्थना करो। तो क्या आप दूसरे भगवान को प्रार्थना विश्वास करते हो? प्रार्थना करो। तो अगले सुबह को तो उस रात सब रात भर प्रार्थना किए, और अगले सुबह को तो अटैक हुआ, और जो सैनिक थे वो बहुत ही बहादुरी से उन्होंने लड़ाई की। क्योंकि तो जब वो हमारे बेस में आए तो कोई चैपलिन नहीं था, कोई पास्टर नहीं था, लेकिन वो बहुत खुश हुए हम देखते हुए कि हम सर्विस ले रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने आके कहा कि हम सब मिलके यहाँ पे एक चैपल बनाते हैं। तो तुम वो कर्नल थे और मैं एक प्राइवेट था। और जब मैं वो बेस में था तो बहुत सारे लोगों को वियतनाम भेज दिया गया था। तो मैंने अपने कमांडर को कहा कि मैं वियतनाम जा रहा हूँ। तो लेकिन कमांडर कहा एडमिनिस्ट्रेटर को इसका नाम निकालो, उसको वियतनाम नहीं भेजना है। तो जब तक मैं डिस्चार्ज नहीं हुआ तब तक मैंने बहुत सारे सैनिकों को सुसमाचार प्रचार किया, और जो मेरे बेस था उसमें ज्यादा से लोगों ने उधार पाया। तो चाहे मैं एक प्राइवेट रहूं या फिर एक स्टार ऑफिसर रहूं, वो जरूरी नहीं है, लेकिन परमेश्वर कैसे मुझे देखता है। तो क्या मेरे पास पैसे हैं? वो जरूरी नहीं है, लेकिन कैसे परमेश्वर मेरी अगुवाई करता है। तो क्या मेरे पास रोग है, बीमार है? वो जरूरी नहीं है। तो एक बार क्योंकि मैं बहुत बीमार था, इसलिए मैं मरने वाले की कतार में था, और मैं बहुत मेरे पेट की वजह से बहुत तकलीफ में था। लेकिन जब मैं परमेश्वर के साथ एक होता हूँ तो कोई भी परेशानी नहीं रहती। और जब मैं इस परमेश्वर के साथ एक होता हूँ तो सबसे अद्भुत चीज है बाइबल के द्वारा परमेश्वर का मन जानना। सिर्फ अपने ज्ञान के द्वारा परमेश्वर के मन जानना नहीं, लेकिन जब आप वो वचन अपने मन में ग्रहण करते हो, जब आप परमेश्वर के वचन अपने मन में ग्रहण करते हो, तो उसी समय से वो परमेश्वर का मन होता है जो आपकी अगुवाई करता है।
तो यीशु मसीह के लहू के द्वारा पापों की क्षमा पाना, 1962 में जब मैंने पापों की क्षमा पाई तो मेरे पास कोई आशा नहीं थी मैं क्या जीवन जीऊं, लेकिन सच में बहुत अद्भुत था कि मैंने उद्धार पाया। उसी दिन से परमेश्वर मेरे लगातार अगुवाई कर रहा था और मेरे मेरे में कुछ ऐसा अच्छा चीज नहीं था, लेकिन मैंने हर वक्त परमेश्वर से अपना मन जुड़ा और मैं अपना जीवन परमेश्वर के मन के अनुसार गया। चाहे परेशानी आए, और जब भी परेशानी मुश्किलें आए वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि कोई परेशानी परेशान नहीं रही क्योंकि परमेश्वर ने सब द्वार खोल दिए। तो कल कॉन्सर्ट के दौरान तो वो जब भी ऑडिटोरियम जो बड़ा ऑडिटोरियम था, फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर सब मतलब भर गए थे लोगों से, और विश्व भर से जो फेमस म्यूजिशियन है, पियानो वायलिन मतलब सब आए। उसके बाद फायर बहुत सुंदर था और जो कल का समय था वो बहुत अच्छा था। और जब मैं घर लौट आ रहा था रात को तो मैं सच में बहुत धन्यवादित था। तो वो बारिश, कल बारिश होना था लेकिन बारिश नहीं हुआ। तो सच में वो परमेश्वर कितना बड़ा है जो हमारे मन में है। जब हम परिस्थितियों को देखते हैं, या हम परिस्थितियों को जो हमारे आगे है उसको देखते हैं, या फिर परमेश्वर को देखते हैं, तो जो बारिश होने वाली थी वो भी नहीं हुआ, मतलब एक मौके में सब कुछ बदल गया। तो चाहे अभी भी बारिश हो, अगर परमेश्वर काम करे वो इस बारिश को रोक सकता है। तो सच में मैंने जब भी अपना जीवन जिया, मैंने कभी अपना हाथ मनुष्य की ओर नहीं बढ़ाया, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ था और मेरे लिए काम करता था, हर राह में काम करता था। मेरी नजरें नहीं जो मैं देखूं, लेकिन जब आप बाइबल को देखते हैं, अगर आप परमेश्वर के मन को जानते हैं और जब परमेश्वर के मन के साथ एक होते हैं, तो सच में आपके जो आंखें हैं वो अद्भुत रीति से बदलने लगती हैं। आप जैसे देखते थे उससे अलग दिखने लगता है, और आपकी सोच से अलग सोच आपको मिलने लगते हैं, और जो आप पहले जो शब्द बोलते थे वो बदल जाते हैं। और ये जरूरी नहीं है, क्योंकि आपका जो शब्द है वो परमेश्वर के शब्द जैसे लगने लगेंगे, और आपकी सोच जो है परमेश्वर के सोच के और करीब जाएगा, और आपकी जो राह है परमेश्वर के राह की ओर जाएगा। अगर आप इस तरह का व्यक्ति बन जाएंगे तो चाहे 10 चीजें या फिर 100 चीजें हो, सब कुछ परमेश्वर ही होगा। तो कल रात को मैंने तो एक जनरल को निमंत्रित किया। तो जब मेरा बेटा आर्मी में था तो उस बेस में वो चीफ ऑफ स्टाफ था, और जो जिस बेस मेरा जिस बेस में मेरा बेटा था वो सेक्रेटरी में दूसरे कमान में था। तो जब वो आर्मी में जाने वाला था वो कहते थे कि मैं स्पेशल फोर्स नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरा बेटा वो स्पेशल फोर्स में गया। और जो तो स्पेशल फोर्स के कमांडर है, उन्होंने नॉन सांग ट्रेनिंग बेच में कहा कि मेरा एक सेक्रेटरी है जो डिस्चार्ज हो रहा है, लेकिन कमांडर को एक सेक्रेटरी चाहिए था जिसको इंग्लिश बोलना आता हो। तो सोल्जर जो तो जिन सैनिकों में से सबसे जिसने इंग्लिश में अच्छा इंग्लिश मार्क्स मिले उसको भेजो, क्योंकि लेकिन मेरा बेटा अमेरिका में पढ़ा है तो वो सैनिक के वजह से मतलब फर्स्ट आया, और इसके बाद वो उस कमांडर का सेक्रेटरी बन गया। और जब वो कमांडर का सेक्रेटरी था, क्योंकि वो सेक्रेटरी के और सेक्रेटरी नीचे था तो क्योंकि सैटरडे को सब लोग बाहर जाते थे, वो अकेले था कमांडर के ऑफिस में। तो एक सीनियर जो बैरक से थे वो आए और उन्होंने कमांडर का फोन उठाया, और तो जापान में उसकी गर्लफ्रेंड को फोन किया और इंग्लिश में बात करने लगा।
और क्योंकि मेरे बेटे को पता था कि वो कम्युनिकेशन के विरुद्ध है, तो कमांडर बहुत गुस्सा हुआ। तो किसने मेरा फोन इस्तेमाल किया जापान में एक लड़की से बात करने के लिए, लेकिन सेक्रेटरी जो ऑफिस में थे सिर्फ मेरा बेटा ही इसको इंग्लिश आता था, इसलिए उन्होंने कहा कि यंगुक ने किया। इसलिए कमांडर ने कहा कि यंगुक ने किया, तो यंगुक ने मेरे बेटे को बुलाया। क्यों कमांडर ने बोला क्यों तुमने फोन किया, तुमने किया फिर भी क्यों क्यों झूठ बोल रहे हो, तो उनको स्टॉकहोम में भेज दो। तो उसको स्टॉकहोम में भेजने वाला था, लेकिन उसने प्रार्थना किया पूरी रात। तो इसके बाद अगले सुबह को उसने अपने तो अपने बैग पैक किया, और असल में वो आर्मी में जेल जाने वाला था। तो असल में जो मिनिस्टर जो है वो 1 स्टार का है और वो कमांडर 3 स्टार का है। उन्होंने उस सुपीरियर बड़े से कहा कि मैं जेल में जा रहा हूँ आर्मी में, लेकिन वो जनरल ने कहा ए यंग तुमने फोन नहीं किया था क्या? तो मेरे बेटे ने कहा नहीं मैंने नहीं किया। तुम यीशु पे विश्वास करते हो है ना? तो उन्होंने कहा हाँ मैं करता हूँ। तो क्या आप यीशु मसीह के नाम से कह सकते हो तो कि तुमने नहीं किया? हाँ मैं कह सकता हूँ। तुम्हारे पिता पास्टर है ना? मेरे बेटे ने कहा हाँ हाँ जी। तो क्या आप अपने पिता के नाम पे कह सकते हो कि तुमने नहीं किया? हाँ मैं कह सकता हूँ। तो उसके बाद सारे सेक्रेटरीज को बुलाया और सेक्रेटरीज जमा हुए। तुमने देखा कि क्या तुमने फोन किया? तो उन्होंने पूछा क्या तुमने देखा? नहीं। तो क्यों तुमने कहा? तो क्योंकि वो इंग्लिश बोल सकता है। तो इसके बाद वो कमांडर में गया, मुझे नहीं लगता कि योंगबुक ने फोन किया है। नहीं नहीं कमांडर ने कहा नहीं 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 उसने किया है, लेकिन किसी ने उसको करते हुए नहीं देखा सच में। तो सब सेक्रेटरीज को लेके आओ। तो क्यों ने नहीं देखा उसको करते हुए? तो तुमने देखा? नहीं तुमने देखा? नहीं। तो तुमने क्यों कहा कि योंगबुक ने किया है? क्योंकि वो इंग्लिश बोलता है। तुम अभी उस जेल में मत जाओ। तो ऐसे वो नहीं गया जेल में, और उसी समय से वो चीफ स्टाफ जनरल यंगुक से बहुत करीब हो गया। और उन दिनों जब हम कॉन्फ्रेंस रखते थे, और जो जिस दिन मेरा बेटा डिस्चार्ज हो रहा था मैं उसको पिक करने गया, और वो चीफ साहब उन्होंने कहा कि सच में वो मेरे जीवन का पहला दिन था कि मैं अपने सीनियर से दूसरा सोच रखता है। अगर मैं जो 3 स्टार इनके विरुद्ध जाऊंगा तो मैं जेल जा सकता हूँ। लेकिन मेरे बेटे ने परमिशन प्रार्थना किया और परमिशन ने उसकी प्रार्थना सुनी। असल में उस सुबह उसको जेल जाना था, तो परमिशन हर परेशानी का समाधान कर सकता है, तो हर मुश्किलों का समाधान कर सकता है। जो काम आप करते हो अगर परमेश्वर उस काम से खुश है तो आपको कुछ चिंता करने की जरूरत नहीं। तो पहले से ही हमने प्लान किया था कि हम ये कैंप करेंगे, और हम चिंता कर रहे थे कि अगर कोरोना कम नहीं होगा, अगर परमेश्वर इस कैंप से खुश है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मिनिस्टर जो गेस्ट हैं, जो पास्टर्स आए थे कैंप में, मैं बहुत धन्यवादित हुआ। तो हमने सच में बहुत आनंदित समय बिताया, और हमें पता नहीं था हम कैसे उनको खुश कर सकते हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि कैसे परमेश्वर ने हमें पापों से क्षमा किया, और कैसे सच में जब ये परमेश्वर भी देखेंगे तो कितना परमेश्वर खुश होंगे, और यही हम लगातार करते रहेंगे। और हम उनके देशों में जाएंगे और सुसमाचार का काम करेंगे, और हम उनके देश के काम में मदद करेंगे, और ये विश्व भर इस सुसमाचार से भर जाएगा। और पहले इतना दुखी लगता था कि ये काम नहीं करेगा, लेकिन जब हम परिस्थितियों को देखते हैं तो हमको लगता है कि नहीं ये काम नहीं करेगा, लेकिन चाहे जो भी परिस्थितियां आए अगर परमेश्वर खुश है तो ये सब खुश हो जाएगा। तो हम इसी इसी मन से हम आगे बढ़े।
तो ये वर्ल्ड कप करने के लिए हमें बहुत सारे पैसे की जरूरत थी और बहुत सारे मुश्किलें थी, लेकिन परमेश्वर ने एक एक करके इस सबका समाधान किया। तो इसलिए हम जब भी काम करते हैं हम बहुत खुश होते हैं परमेश्वर के आगे। तो जब कल रात को हम इवेंट खत्म होने के बाद वापस गए तो मैं अपने बेटे के साथ गाड़ी में था, तो मैं परमेश्वर का बहुत धन्यवाद ही कर पाया। तो सुबह को मैं भाइयों के साथ जमा हुआ, बहुत सारी चीजों के बारे में बात किया, तो मैं बहुत धन्यवादित हुआ, उनका मन सच में खुशी से भरा हुआ था। तो अब तक मैं अपने से सिर्फ इंसानी नजरों से देख रहा था, लेकिन जब मैंने परमेश्वर का मन ग्रहण किया और जब हम उस राह पे चले जहाँ पे जिस राह पे से परमेश्वर खुश है, तो दूसरे राज्य 5 में तो एक छोटी लड़की को कैप्टन नामा के वहां पे लेके गया था। जब हम मनुष्य के नजरों से देखें तो ये जो छोटी लड़की है समारिया से, तो वो एक नौकरानी बन गई है, एक दुश्मन की नौकरानी बन गई है, और जो कैप्टन था वो एक रोगी था। तो कितना दयनीय है, तो वो कितना दयनीय जीवन जी रही थी, तो हमेशा रोती रहती, मैं कब घर जाऊंगी, क्या मेरे पिता को पता है कि मैं यहाँ हूँ, तो मैं अपने भाइयों को मिस करता हूँ, मैं अब घर जाना चाहती हूँ, मैं परमेश्वर में विश्वास करती हूँ, लेकिन क्यों उन्होंने मुझे पकड़ के बंदी बना दिया। तो 10 से 10, 100 के 100 उसके पास सिर्फ कंप्लेन ही कंप्लेन थे, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने उसका नया मन दिया, तो वो जान पाए कि जो कप्तान नामान था वो एक रोगी है। तो क्या किस प्रकार का मन उस परमेश्वर ने उस छोटी लड़की को दिया। अगर वो परमेश्वर के सेवक के पास जाएगी समारिया में तो वो चंगा हो सकता है। तो हाँ सच है, जब क्यों मैं यहाँ बंदी बन के रही, ताकि मैं उस कप्तान की रोग से उसको ताकि वो कप्तान अपने रोग से चंगाई पा सके। तो मुझे उसे कहना है कि वो जाके इलाइजा से मिले, अगर वो चंगा होके वापस घर आएगा तो सब लोग बहुत खुश होंगे और सब लोग आनंदित आनंदित होंगे। तो कितनी खुशी भरा जगह हो गए। तो जैसे ये सोच उसके मन में आया, तो इसीलिए परमेश्वर ने मुझे यहाँ पे बंदी बना के रखा। मुझे नहीं पता था इसे, मैं हमेशा परमेश्वर पे दोष लगाती। तो इसी प्रकार हम परमेश्वर के प्लान को नहीं जानते, लेकिन जब हम परमेश्वर के प्लान को जान पाएंगे तो हम जो भी हो, कुछ भी हो, हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं। 1962 में मैंने अपने पाप से क्षमा पाई। मैं इस बारे में बहुत बोलता हूँ, मैं 1944 में जन्मा था, तो उस समय मतलब जापान हमारे देश को कब्जा किया हुआ था, और एक साल मेरे जन्म होने के 1 साल बाद हम जापान से छुटकारा मिला, तो उस समय हमें आजादी मिली। तो उस समय और जब मैं 19 साल का था, सब कुछ मतलब बहुत दुखी भरा था, और क्योंकि उस समय मैं चोरी करता, क्योंकि मैं बहुत भूखा रहता था, मैं उठ के जाके घास खाता था, और उस समय बहुत सारे लोग भूख से मर रहे थे। असल में लोग भूख से नहीं मरते, लेकिन जब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है तो वो आपकी इम्यून सिस्टम को मतलब पूरा खत्म कर देता है, और आप बीमारी को पार नहीं कर पाते, और आप ठंड के वजह से मर जाता है, और बीमारी से मर के वजह से मर जाते हो। और उस समय बहुत सारे लोग ठंड के वजह से मर गए, भूख के वजह से मर गए, और जो जीवन था वो बहुत ही दुखी भरा जीवन था। और उसी समय से मैंने चोरी करना शुरू किया, और हम एप्पल चोरी करके खाते हैं, और हम छोटे छोटे ऐसे जो फोल्ड कर सकते हैं वो ऐसा रख चाकू पकड़ देते हैं। तो असल में उस समय जो काटे से मतलब पूरा बंद करके मतलब फेंसिंग की तरह लगा के रखते, तो हम चाकू से उसको कार के अंदर जाते हैं और उस फेंसिंग में छोटा सा होल बनाते हैं, उसके उसे अंदर जाते हैं और हम जाके एप्पल चुरा के खाते हैं।
इसके बाद हम फिर उसको बंद कर देते हैं, इसके बाद उस फैंसी को बंद कर देते हैं और चले जाते हैं। तो इसी प्रकार हम चोरी कर देते हैं। तो एक दिन जैसे मैं उस फैंसी से निकल रहा था, तो मुझे पता, मैं भूल गया कि वो जो पोल बनाया था मैंने, वो कहाँ है। तो मैं पकड़े जाने वाला था। तो इस प्रकार का पापी भरा जीवन जीता था। मेरे पास कुछ आशा नहीं थी, तो मेरे पास कुछ काम नहीं था, मैं पैसे नहीं कमा सकता था, और मेरा परिवार जो है वो बहुत गरीब था। मैं बहुत ही दयनीय जीवन जीता था। लेकिन वो जो पाप भरा मन था, वो मेरे मन, वो पाप था, वो मेरे मन को जकड़े हुए था। और अक्टूबर 1962 में जैसे मैंने बाइबल पढ़ा, पहली बार मैं जान पाया कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा मेरे पाप क्षमा हो चुके हैं। सच में यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा और हमारे पाप सारे धुल गए। तो जैसे मैंने इस पे विश्वास किया और जैसे मैं बाइबल को पढ़ने लगा, तो बाइबल मतलब बहुत ही अलग विपरीत बातें बोल रही थी। और ये सच्चाई में लोगों को प्रचार करना शुरू किया। मैंने अपने कलीसिया में प्रचार किया, लेकिन पास्टर कहते थे कि वो पापी हैं, जो एल्डर है वो कहते वो पापी हैं। और जब मैं कहता कि मेरे पास कोई पाप नहीं है, तो वो कहते कि मैं पागल हो चुका हूँ, लेकिन वो परेशानी नहीं है। और सच में अद्भुत रीति से वही परमिशन ने किया। और मेरे आगे जब मैं आर्मी से डिस्चार्ज हुआ, मैंने इंटर्न में काम किया, तो मुझे लगा कि मुझे दूसरे से समाचार प्रचारक को ट्रेनिंग देना है। तो मैं 1971 में मैंने शादी किया, और 72 में मेरी बीवी ने बहुत सुंदर बेटी को जन्म दिया, और 1974 में बहुत ही सुंदर बेटे को जन्म दिया, और 76 में और मिशनरी स्कूल ने जन्म लिया। अभी अभी 83 क्लास सेशन चल रहा है, और हमारे जो मिशनरी स्टूडेंट्स हैं, जो विश्व भर में इस समाचार प्रचार करने का काम कर रहे हैं। मैं जो कोई नहीं हूँ, लेकिन अगर आपके पास परमेश्वर हो, तो आपको बड़े होने की जरूरत नहीं, आपको स्मार्ट होने की जरूरत नहीं, आपको अच्छे से पढ़ाई करने की जरूरत नहीं। कोई बात नहीं अगर आप पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हो जिसे वो परमेश्वर इस्तेमाल करता है, तो सब कुछ परमेश्वर संभालता है। तो सच में ये बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही अद्भुत है। तो हम बाइबल से पढ़ेंगे। तो आज जो वचन हमने पढ़ा, तो यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे जो है परमेश्वर के सेवक जो है उस समाचार का प्रचार कर रहे थे, लेकिन उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन उस रात को परमेश्वर ने उनको निकाला। तो ये सच में बहुत अद्भुत है। तो मैंने भी अपने जीवन में इस प्रकार के परिस्थितियों का सामना किया है। तो जब मैं इस समाचार के लिए परमेश्वर का मन लेके जीता हूँ, तो चाहे उनको जेल में डाल दिया गया, लेकिन क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था, उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। चाहे उनके पास बहुत बहुत सारे शत्रु थे, लेकिन वो कभी नहीं हारे। तो मैं इस यहाँ पे चर्च चैपल बनाना चाहता था, लेकिन सच में ये जो यहाँ की जो जगह है बहुत ही महंगा है। ये गंगनम सोल है, आपको पता है। तो यहाँ पे बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग बात क्या है, तो यहाँ पे जब आप चैपल बनाते हो, यहाँ पे जो हाईवे है, तो ये सबसे बड़ा हाईवे है। ये हाईवे सोल से भूसान तक जाता है, और जब आप यहाँ पे भूसान से आते हो, तो आप सोल सोल जब सोल में प्रवेश करते हो, तो आप इस चर्च को मतलब देख पाते हो। तो 2 किलोमीटर तब आपको इस कलिसा को, चर्च को देखना है। तो जब परमेश्वर काम करता है, तो जब लोग विटनेसिंग के लिए जाते हैं, हम साइन डालते हैं कि ये गुड न्यूज गंगनम चर्च है। तो सच में यहाँ पे जो यहाँ की जो मिट्टी थी बहुत मुश्किल थी, तो हमारे पास कॉन्फिडेंस नहीं था कि हम यहाँ के जो यहाँ पे हम सिर्फ जमीन खरीद सकते हैं। लेकिन जब हम साउथ की ओर 2 किलोमीटर गए, और असल में हम एक पहाड़
हमारा प्लान था कि पहाड़ की तरफ जाके मतलब वहां से जमीन खरीद के वहां पे कलीसिया बनाए, लेकिन जो मालिक था उसने कहा कि यहाँ पे परमिट चाहिए होगा यहाँ पे बिल्डिंग बनाने के लिए, तो वहां पे ये जमीन खोदना चाहते थे। तो ये जो है बेसमेंट दूसरे लेवल का है, तो अगर आपको और भी ज्यादा खुदाई करनी है, लेकिन आपको अगर खोदना है तो जो जमीन को पकड़े रखने के लिए तो आपको मतलब कि इस प्रकार का, तो इस प्रकार का कुछ आयरन रॉड डालना पड़ेंगे जो इस जमीन को मतलब निकलने से लूज होने से बचा सके। लेकिन अगर ये करना है तो आप मतलब ये आप दूसरे को भी दूसरे की जमीन को भी खोदना पड़ेगा, इसलिए ये बहुत महंगा पड़ता था, अभी नहीं कर पाए। और जो ये इस जमीन का जो मालिक था उसने मतलब 42 लोगों से कर्जा ले रखा था, तो इसलिए, लेकिन हम ये जमीन को खरीदना चाहते थे, तो लेकिन लेकिन प्रॉब्लम क्या था कि वो 42 मतलब जिसे उन्होंने कर्जा लिया था, तो हमने उन लोगों को इकट्ठा किया, तो हम ये जमीन को खरीदना चाहते हैं, हम आपको इतने पैसे से खरीदना चाहते हैं, तो आपके अनुमति के द्वारा जब हमने पैसे उस मालिक को दिए तो हम उनको ऐसे नहीं देंगे, लेकिन आप जैसे देखते हो हम उनकी आपके नजरों के आगे उस मालिक को नाम उसको पैसे देंगे। तो जब वो जो लोगों ने जो 42 लोग हैं उन्होंने देखा तो वो बहुत खुश हो गए हैं, तो इसके बाद हमने उनको पैसे दे के ये जमीन खरीदा। इसके बाद 3 किलोमीटर 3 लेवल बिलो हमने खरीदा, इसको 3 लेवल नीचे खोदने के लिए भी इस जमीन के पैसे जितना गए उतना ही पैसे होने पड़े। तो एक भाई था जिसने यहाँ चर्च का डिजाइन बनाया, इसके बाद अंडरग्राउंड लेवल 3 लेवल 2 लेवल 1, इसके बाद जमीन के ऊपर एक लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 हमने ऐसे बनाया। लेकिन यहाँ पे जरूरी चीज क्या है, तो हमने यहाँ पे चर्च चैपल बनाया। असल में ये जगह पे जमीन इस जमीन उस जमीन पे बिल्डिंग बनाना नामुमकिन है, यहाँ पे मना है क्योंकि यहाँ पे नेचुरल रिजर्वरीज है, लेकिन जमीन के अंदर खोद के बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं है, और हमने वैसे किया जितना कर सके हमने वैसे किया। तो जो अंडरग्राउंड होता है वो मतलब ठंडी के मौसम में गर्म रहता है और गर्मी में मतलब ठंडा रहता है, इसलिए हमने अच्छा वेंटिलेशन भी लगाया, और मतलब ऊपर की हवा की तरह ही मतलब अच्छा ऑक्सीजन है यहाँ पे। तो परमेश्वर ने सब कुछ तैयार किया और हमारे बहुत सारी चीजों में मदद किया, तो मैं नहीं बता सकता कि मैं कितना धन्यवाद थी। तो सच में जो मैं काम करता हूँ परमेश्वर का काम है, अगर आप परमेश्वर का काम करोगे तो आपको कुछ भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो 10 के 10, 100 के 100 परमेश्वर ही सब कुछ ध्यान रखता है। तो परमेश्वर आपको सुसमाचार प्रचार करने देने के लिए मुझे आप उनको आपको खाना खिलाना होगा, आपको भूखा नहीं रखना है, तो इसलिए उन्होंने मुझे भी खाना दिया, जूते दिए, कपड़े दिए, सामर्थ दिया और सुसमाचार दिया, जैसे मैं सच्चे सुसमाचार का प्रचार करता हूँ यहाँ पे जरूरी चीज है। तो बहुत सारे कलिसिया जो कोरिया में है, तो चाहे कोई भी कलिसिया हो वो कहते हैं कि वो पापी है, तो मुझे समझ में नहीं आता, तो बाइबल क्या कहती है, तो सबने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रह, लेकिन उनके अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के द्वारा सच में धर्मी ठहराए गए। तो यहाँ पे बाइबल में लिखा है, तो चाहे मैंने पाप किया है तो यीशु मसीह ने अपने अनुग्रह से मुझे प्राप्त किया है, तो इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ, तो चाहे जो भी कहे मैं धर्मी हूँ।
तो सारे कलीसिया कोरिया में कहते हैं कि वो पापी हैं, लेकिन सच में ये एक मजाक है। अगर आप पापी हो तो इसका मतलब है कि यीशु मसीह जो जिसमें क्रूस में मरा वो व्यर्थ है। तो जब मैं ये सुनता हूँ तो सच में मैं बहुत दुखी होता हूँ। तो मैं कोई बड़ा व्यक्ति नहीं, मैं स्मार्ट नहीं, मैं बहुत सारी चीजें नहीं जानता, लेकिन एक चीज बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो यीशु मसीह मेरे पास बहुत सारे पाप थे, लेकिन उन्होंने अपना लहू बहाया और क्रूस में मरे और मेरे पाप जो है वो धोए गए हैं। तो चाहे आप जहां भी बाइबल में देखें वही वहां पे ऐसे ही लिखा है, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। तो बहुत सारे लोग आश्चर्यचकित हो गए। तो क्या लोग कहने लगे, तुमने कभी पाप नहीं किया, तुमने पाप नहीं किया, पाप नहीं किया? मैंने पाप किया है। तो फिर कैसे आप धर्मी हो, आप पापी हो? हाँ मैं, आप सही हो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ। कहा लिखा है, कब कब कहा, कब नहीं कहा, लेकिन वो बाइबल ऐसे कहती है। तो क्या आप बाइबल नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि आप सब कुछ बाइबल में देख पाते हो, सच में। तो उसने बाइबल खोल के देखा तो कुछ नहीं बोल पाए। तो आपको कुछ बोलना है तो बोलिए। इसके बाद तो हमारे द्वारा तो बहुत लोग विश्व भर में पापों की क्षमा पाने लगे। तो मैं इस चीज में बहुत एक्सपर्ट हूँ कि कैसे आप पापों की क्षमा पा सकते हैं। तो कैसे आपके और हम पापों की क्षमा के दौरान हम सब कुछ पढ़ते हैं और सब कुछ बाइबल में लिखा है। तो यहाँ पे अद्भुत चीज क्या है, तो चाहे हम एक ही बाइबल पढ़ते हैं तो मेरे नजरों में मैं धर्मी हूँ, लेकिन उनके नजरों में मैं पापी हूँ। ओ ठीक है, तो वो कहते हैं कि वो पापी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो मैं नहीं हूँ, लेकिन ये परमेश्वर वो कहता है कि मैं धर्मी ठहराया गया हूँ यीशु मसीह के द्वारा। मैं धर्मी ठहराया गया हूँ मुफ्त में। तो मैं उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, मैं धर्मी हूँ। आपने कभी पाप नहीं किया? हाँ मैंने पाप किया है। तो कैसे आप धर्मी हो, आप पापी हो? हाँ लेकिन मुझे नहीं पता, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी ठहराया गया हूँ। अगर परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ, मैं धर्मी ठहराया गया हूँ, तो मैं वचन में क्या लिखा है उस पर विश्वास करूंगा। तो मैं वचन पे ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं वो अपने बाइबल पे देखते हैं, फिर मैं अपने बाइबल में लिखती हूँ, लेकिन उनके बाइबल में भी लिखा है। इसके बाद वो ऐसे ही चले जाते हैं, कुछ दिन के बाद आएंगे, मुझे भी पापों की क्षमा पाना है। तो जब वो पापों की क्षमा पाते हैं वो बहुत खुश होते हैं। तो शुरुआत में उन्होंने भी पापों की क्षमा नहीं पाती और बहुत सारे परेशानियों का सामना किया, लेकिन पापों की क्षमा पाने के बाद, क्योंकि यीशु मसीह उसके मन में है, तो आप बदले बिना नहीं रह सकते, आप बदले बिना नहीं रह सकते। हम ऐसे व्यक्ति हैं जो इस अद्भुत सुसमाचार को प्रचार करते हैं। तो जैसे मैं ये काम करता हूँ, बहुत सारे शत्रु हैं, बहुत सारे परेशानियां हैं, लेकिन मैं कभी नहीं हारा, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। मैं नहीं कहता कि मैं धर्मी हूँ, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ, और मैंने सिर्फ इसको ग्रहण किया है। अपने सोच को ग्रहण मत करो, वचन को ग्रहण करो। परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी हैं। तो अगर परमेश्वर कहता है तो हम हैं कि नहीं है? आपको नहीं पता, आपको नहीं पता ये? तो क्या आपने कहा कि आप धर्मी हो? हाँ आप धर्मी हो। सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। तो उसके अनुग्रह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा हम धर्मी ठहराए गए हैं। परमेश्वर कहता है कि हम धर्मी ठहराए गए हैं। तो अगर आपको पापी बन के रहना है तो आप पापी बन के रहो, लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं धर्मी हूँ। यहाँ पे एक अद्भुत चीज क्या है, तो जब आप इसे विश्वास से ग्रहण करते हो,
आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के साथ एक हो जाते हो। आमेन। और उसी समय से तो आप परमेश्वर की नजरें हैं तो आपने खुलने लगती है, आपके कान खुलने लगते हैं, और जैसा बाइबल करते हो आपके मन में बदलाव आता है। तो बहुत देर नहीं हुए तो एक कलीसिया का डेडिकेशन सर्विस में गया था, अंदोंग के पास है वो। तो सर्विस 1 बजे को खत्म हुआ, उसके बाद हमने खाना खाया। तो हम अंदोंग चर्च में जाने वाले थे शाम की सभा के लिए, और अंदोंग से लगभग 2.5 घंटे लगने वाला था, और हम बस से जा रहे थे क्योंकि हम मिशनरी स्विंग के साथ जा रहे थे। लेकिन अंदोंग के पहाड़ में तो वहां पे एक औरत रहती है, क्योंकि वो औरत ना बहुत उस पहाड़ को बहुत पसंद करती है, तो वो पूरी जिंदगी उस पहाड़ में रही है, और उसने उसके पति को, अपने पति को भी वही मिली थी, और वो उस पहाड़ में वो लोग एप्पल फार्मिंग करते हैं। तो एक दिन उस औरत ने उधार पाया, तो वो खुश थे उधार पाके। तो हर दिन वो अंदोंग चर्च में जाती है, लेकिन उसका पति चर्च मतलब उसको पसंद नहीं था। तो एक दिन वो लोग भाई बहनों के साथ उनके घर में फेलोशिप कर रहे थे, तो उसके पति देखे वो बहुत गुस्सा किया, और एक हफ्ते के बाद तो उसका जो पति था एक ट्रैक्टर चला रहा था, लेकिन वो ट्रैक्टर जो पहाड़ से मतलब पहाड़ से गिर गया, और वो भी पहाड़ से गिर गया, और उसके बाद वो पैरालाइज हो गया। और उस दिन जब मैं अंदोंग जा रहा था तो सुबह को उठी और उसने ब्रेकफास्ट बनाया, और उसने अपने पति से कहा तो मैं आज चर्च डेडिकेशन सर्विस के लिए जा रही हूँ, पास्टर ऑफिसर पार्क आएंगे वहां, अगर मैं लकी रहूंगी तो मैं पास्टर पार्क को यहाँ लेके आऊंगी, तो आप कुछ घंटों के लिए मेरा इंतजार कीजिएगा, मैंने ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। तो उसने ब्रेकफास्ट खिलाया और वहां पे लिटा के, क्योंकि वो हिल नहीं पाते थे इसलिए वो चली, इसके बाद वो चली गई। इसके बाद सर्विस के बाद उस सिस्टर ने अंदोंग पास्टर से कहा, इसके बाद हम वहां गए। जो पति था वो ऐसे बिस्तर में लेटा हुआ था, उसको देख के मैं बहुत दुखी रहा। तो उसके बाद मैंने उसको सुसमाचार प्रचार किया, उसके बाद उसके पति ने पापों की क्षमा पाए, के बाद वो बदलने लगा। तो उसका शरीर जो है पूरा चंगाई नहीं पाया है अभी तक, लेकिन वो अपने इलेक्ट्रिक व्हील चेयर में आना जाना कर सकता है, काम कर सकता है, और उनका गार्डन है, उनका पति वो है, और हाल ही में उनसे मिलके आया हूँ, हम वहाँ एक साथ गए थे और हम दोनों बात कर रहे थे। तो जो क्वायर डायरेक्टर थी वो अमेरिका में थी, उसने मुझे फोन किया, और ये भाई जो था उसने, क्वायर डायरेक्टर आप अंदोंग में आइए, तो वो बहुत खुश था कि वो बयान नहीं कर पा रहा था। तो उसी समय तो क्वायर ने 2 गीत गाए उसके लिए। अभी हम वहां पे नहीं गए अभी तक, लेकिन वो बहुत बदल गए हैं, तो अभी तक पूरे चंगे नहीं हुए हैं, लेकिन वो उस बहुत ही उसका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा हो गया है। तो पीजी के एम्बेसडर थे, उन्होंने कहा कि उनके साथ ट्रेवल करें, तो मैं चाहती था कि वो भी अंदोंग के फुट गार्डन में है, लेकिन वो बहुत बिजी थे इसलिए नहीं आ पाए। लेकिन अभी जो सिस्टर के पति हैं वो बहुत ही अच्छे हो गए हैं, अभी वो उनका स्वास्थ्य भी बहुत बेहतर हो गया है। तो मैं वो धन्यवादित हूँ जब परमेश्वर का काम देखता हूँ। आपके सारे सारे मुश्किलों से, सारे बीमारियों से परमेश्वर आपको छुटकारा देना चाहते हैं। जो परमेश्वर के सेवक जो जेल में थे, परमेश्वर ने उनको छुड़वाया।
तो सेवक थे वो जो जेल में बंधे हुए थे, लेकिन परमेश्वर ने उनको छुड़वाया। परमेश्वर ने आपको मृत्यु से, आपके पाप से, आपके मुश्किल से, आपके आपकी बीमारियों से छुटकारा दिलाया, और ये परमेश्वर काम करता है। तो आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा कीजिए, क्योंकि परमेश्वर को पता है। आप सिर्फ परमेश्वर की महिमा करो, परमेश्वर आपसे पाके, परमेश्वर देखो मैं यहाँ हूँ। तो परमेश्वर जब आप उनको पुकारते हो, परमेश्वर काम करता है, और वो हम बाइबल से देख पाते हैं। तो बहुत सारे लोग जो बीमार थे, जब वो यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा पाते हैं, वो बदल जाते हैं। जब मैं इस बारे में सोचता हूँ, मैं बहुत धन्यवादित होता हूँ। तो यीशु मसीह के वचन को अपने मन में ग्रहण करो, और वो वचन, यीशु मसीह का वचन अपने मन में ग्रहण करो। तो मैं एक बहुत ही धन्य मनुष्य हूँ, लेकिन परमेश्वर का जो मन है वो मेरी अगुवाई करेगा। इसके बाद मैं उसे समाचार प्रचार करूंगा। तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने उद्धार पाया, तो मैं कितना खुश हूँ। चाहे हम एक ही परिस्थिति में हैं, लेकिन हम पाप को पार नहीं कर सकते खुद से, बीमार या को टेम्पटेशन को पार नहीं कर सकते। लेकिन जब यीशु मसीह का मन आपके मन में आएगा, और जब आप अपना जीवन यीशु मसीह के मन के द्वारा जियोगे, तो बहुत आशीषित होगा, और आप सच में बहुत आनंदित जीवन जी पाओगे। बहुत बहुत धन्यवाद।